आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन को चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट। मोदी की चुनावी रैली, कहा जनता तय करे नारे वाली सरकार चाहिए या निर्णय करने वाली सरकार। बीजेपी ने राजगढ़ से रोडमल नागर और खरगोन से गजेंद्र पटेल को दिया टिकट, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन लड़ेंगे चुनाव। कमलनाथ सरकार से नाराज विधायक पंचीलाल ने दिया इस्तीफा, शराब माफिया और पुलिस से परेशान है विधायक। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया साफ, नक्सलवादियों से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मिशन शक्ति के बारे में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। विपक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच बैठा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन शक्ति पर राष्ट्र के नाम संबोधन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। यह चुनाव आयोग ने कहा कि मिशन शक्ति के बारे में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता संभाग प्रभारी उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना समिति की अगुवाई में इस मामले की जाँच की गयी। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आते। आयोग के एक पदाधिकारी का कहना है कि कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई थी, जिसके द्वारा लिए गए फैसले और आपदा प्रबंधन जैसे मामले आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आते और उनकी पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती। लेकिन विपक्षी दलों का कहना था कि प्रधानमंत्री का संबोधन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है, क्योंकि उन्होंने इसे सरकार की उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अंतरिक्ष में भारत के मिशन शक्ति की सफलता के लिए उड़ीसा के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता को तय करना होगा कि उन्हें निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए या फिर केवल नारे देने वाली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आपका ये चौकीदार आपके बीच आया है। कहा कि दो दिन पहले ही ओडिशा एक ऐसा ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बना है जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित कराया है। भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकीदारी करने में सक्षम है। मतदान के दिन अब आप पोलिंग बूथ जाएं तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाएं। आपको ये तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबरा कर बैठ जाने वाली सरकार। आपको ये तय करना होगा कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारे देने वाली सरकार। 7 दशक तक भी उत्तराखंड के अधिकतर गांवों को सड़कों से वंचित रखने वाले कौन थे? जिस कांग्रेस ने आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की, क्या ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ से रोडमल नागर और खरगोन से गजेंद्र पटेल और बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन को मैदान में उतारा है। ढाल सिंह मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की कुल 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट से ढाल सिंह बिसेन को टिकट दिया है। वहीं राजगढ़ से रोडमल नागर और खरगोन से गजेंद्र पटेल को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की 29 में से 18 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है। राजस्थान की भी 3 सीटों से प्रत्याशी तय हुए हैं।
चरू से राहुल किसवान, अलवर से बालकनाथ और बांसवाड़ा से कनकमल काटारा को टिकट मिला है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार हाशिए पर है। जब से सरकार बनी है तब से लगातार यह चर्चा रहती है कि सरकार अब गिरी कि तब गिरी। कभी मंत्री पद ना मिलने से विधायक नाराज हो जाते हैं, तो कभी सरकारी ढर्रा और अधिकारी सरकार की मुसीबत बन जाती है। सरकार बनने के बाद से रूठने मनाने का सिलसिला लगातार जारी है, मगर कमलनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। अभी हाल ही में विधायक पंचीलाल मीणा ने सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिससे सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंचीलाल मीणा धर्मपुर से कांग्रेस विधायक हैं। पंचीलाल मीणा शराब माफियाओं के खिलाफ अरसे से लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मगर इस बार चूंकि सरकार उनकी है तो उम्मीदें भी सरकार से थी, मगर सरकार ने साथ तो ना दिया, बल्कि SP ने पिछले दरवाजे से जाने की सलाह दे डाली। इस पर विधायक पंचीलाल मीणा ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो पीछे के दरवाजे से बाहर क्यों जाऊं। मामला शराब दुकानदारों व ठेकेदारों से जुड़ा है। विधायक पंचीलाल मीणा का कहना है कि शराब गलत तरीके से रहवासी क्षेत्र में बेची जा रही है, जिसका मैंने विरोध किया तो शराब दुकानदार और ठेकेदारों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, और पुलिस से शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। शराब माफियाओं की वजह से पुलिस ने 4 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा। पंचीलाल मीणा ने बताया कि मेरी जान को खतरा है, कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जब से पंचीलाल मीणा ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, तब से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। विधायक पंचीलाल मीणा के घर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पंचीलाल मीणा का कहना है, दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक पंचीलाल मीणा को मनाने के लिए मंत्री बाला बच्चन और प्रद्युमन सिंह तोमर पहुंचे, मगर वहां विधायक और मंत्री के बीच बहस हो गई। विधायक को मीडिया से बातचीत करने से भी रोक दिया गया, और कार में बिठाकर दोनों मंत्री विधायक पंचीलाल मीणा को सीएम कमलनाथ के पास ले गए। कुछ नहीं, अभी सब चीजें आपको अभी बहुत जल्द क्लियर कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रायपुर के DKS हॉस्पिटल फर्जीवाड़ा मामले में फरार आरोपी डॉक्टर पुनीत गुप्ता की तलाश में पुलिस ने घर और हॉस्पिटल में छापा मारा, मगर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। आपको बता दें कि पुनीत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का दामाद है। पुनीत फरार है, पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में है। पुलिस ने राजेंद्र नगर स्थित GBG हॉस्पिटल में छापा मारा, हालांकि वहां भी पुलिस को पुनीत गुप्ता नहीं मिला। पुनीत के पिता ने पुलिस से बातचीत की, पुलिस ने हॉस्पिटल में दस्तावेज बिल खंगाले, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस को मिलने की बात कही जा रही है। ये पूरा मामला DKS हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक पुनीत गुप्ता का है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद हैं। फिलहाल फरार पुनीत गुप्ता की तलाश जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री BJP अध्यक्ष शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, कर्ज माफी से लेकर गरीबों के नाम तक पर राहुल गांधी को मिसलीड किया जा रहा है।
इतना जरूर है कि मुझे पता ये लगता था कि वो राहुल गांधी जी को सलाह देते रहते, अब ये खुद तो मिसलीड करते ही थे, अब मिसलीडर इन्होंने राहुल गांधी जी को भी बना दिया और अब राहुल जी देश को मिसलीड कर रहे हैं। पहले उन्होंने कर्ज माफी के नाम पर मिसलीड किया, उसके पहले भी राफेल के मामले में मिसलीड किया और अभी गरीबों के नाम पर मिसलीड कर रहे हैं। खदानों को निजी कंपनी अडानी को बेच देने के विरोध में दंडकारण्य विशेष जोन दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव साई नाथ ने एक प्रेस नोट जारी किया है। यह नोट पर लिखा गया है कि वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कहा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के लोग आते हैं तो उन्हें मार कर भगा देंगे। बेलाडीला के भी नक्सलियों ने इसका समर्थन किया है। बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का नक्सलियों ने विरोध किया था। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आइसक्रीम ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर स्वच्छता अभियान में अव्वल नंबर पर है। दूसरा मध्य प्रदेश का बड़ा शहर जबलपुर स्वच्छता भारत मिशन पर पलीता लगा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मियों के पैर पखार रहे हैं तो वहीं जबलपुर में सफाई कर्मी अधिकारी और ठेकेदार के बीच फंस कर भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं
और शहर कचरे का ढेर बनता जा रहा है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी और ठेकेदार के बीच पैसों को लेकर छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पैसे की मांग कर रहे 5 जोन के तकरीबन 400 सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों के इस विरोध से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि कचरा कलेक्शन न होने से लोगों ने घरों से निकलने वाला कचरा सड़कों के किनारे बिखरा पड़ा है। पेमेंट नहीं हो रहा, हम लोग पता भी नहीं चला कौन सा महीना का दे रहा कौन सा महीना नहीं है। और उसके बाद हम लोग का मांग ये है कि पेमेंट होगी तभी हम लोग गाड़ी निकालेंगे। और हम लोग ये जवाब दिए तो ये लोग बोलते हैं कि कंपनी बंद है हम लोग को और दम देते हैं कि आपको काम से निकाल देंगे। दरअसल ये पूरा मामला नगर निगम के सफाई ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच पैसे को लेकर है। पिछले 3 माह से पैसों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि सफाई ठेकेदार ने उन्हें 3 माह से वेतन नहीं दिया है, जिसकी वजह से वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण उनकी भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों का आरोप है कि उनका वेतन 7,000 रुपए प्रतिमाह होने के बावजूद उन्हें केवल 6,000 रुपए दिए जाते हैं और PF के नाम पर काटे जा रहे 1,000 रुपए की जानकारी भी नहीं दी जा रही। पूछने पर ठेकेदार उन्हें काम से निकालने की धमकी देता है। सफाई कर्मी हड़ताल पर है, लोग अपने घरों का कचरा सड़कों पर डाल रहे हैं, क्या यही स्वच्छ भारत मिशन है? अब देखना यह है कि कर्मियों और ठेकेदारों का झगड़ा कहीं स्वच्छ भारत मिशन पर सेंग न लगा दे। कैमरा पर्सन विकास सोनी के साथ अनूप लाल, दखल न्यूज, जबलपुर। विधानसभा चुनाव में भारी शिकस्त के बाद फिर से एक बार बीजेपी अपनी जड़ें मत जमाने के लिए लोकसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन टिकट नहीं मिलने के दर्द से गुजर रहे नेता अपने बयानों में दर्द नहीं छुपा पा रहे हैं। सरगुजा संभाग से विधानसभा चुनाव में 8 सीट गंवाने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में वापसी करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने लगभग सभी पुराने नाम बदल डाले हैं। सरगुजा संभाग से रेणुका सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, मगर टिकट काटने से नाराज नेता मंच से सिर्फ अपने दर्द बयां कर रहे हैं। एक सभा के दौरान भाजपा के सरगुजा सांसद कमल भान ने कहा कि भाजपाइयों ने अपनों को ही निपटा दिया, इसी निपटाने के चक्कर में भाजपा के 8 उम्मीदवार निपट गए। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद कमल भान सिंह ने अपना दर्द सबके सामने बयान किया। मन से कमल भान सिंह ने चुटकुले के अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की, जहां उनके पूरे भाषण में टिकट नहीं मिलने का दर्द सामने आया। कमल भान सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा से 11 से 12 उम्मीदवार थे, जिसको टिकट नहीं मिला सब एक दूसरे को निपटाने में लग गए। ये सोचते रहे कि रमन सिंह की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन जिसे टिकट मिला है उसे निपटा दे। उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे सिद्धनाथ पैकरा, पूर्व गृह मंत्री राम सेवर पैकरा और राम किशुन सिंह तीनों निपट गए हैं। अब लोकसभा चुनाव में रेणुका सिंह को टिकट मिलने के बाद मेरा पत्ता भी कट गया है और मैं भी निपट गया। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं बहुजन संघर्ष दल के अध्यक्ष फूल सिंह बैरैया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बैरैया भिंड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बैरैया का कहना है, देश का भविष्य कांग्रेस के हाथ में है। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने बहुजन संघर्ष दल के अध्यक्ष फूल सिंह बैरैया ने कांग्रेस की सदस्यता ली। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बैरैया को भिंड से चुनाव मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही बैरैया के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेजी से चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद से बैरैया का राजनीतिक वजूद खत्म सा हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन लोग उनके साथ नहीं जुड़े। यही वजह रही कि बैरैया को कांग्रेस का हाथ थामना पड़ा। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बैरैया ने कहा कि देश का भविष्य कांग्रेस के हाथ में ही सुरक्षित है, कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है। यह 3 महीने में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साबित कर दिया है। इस अवसर पर कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने सदस्यता की औपचारिकता पूरी करवाई। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी।
घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत हिरदाराम नगर में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट ने बाल हृदय रोग निवारण शिविर का आयोजन किया। इस निशुल्क शिविर में शामिल हुए बच्चों का उपचार और ऑपरेशन भी निशुल्क ही किया जाएगा। संत हिरदाराम नगर में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट ने बाल हृदय रोग निवारण शिविर में अहमदाबाद से आए डॉक्टर विशाल चंगोल, डॉक्टर अल्पेश पटेल ने हृदय से संबंधित बीमारियों की जाँच की। शिविर में जांच के दौरान करीबन आधा दर्जन बच्चों के दिल में छेद मिले। दिल के छेद की बीमारी से ग्रसित बच्चों के इलाज पर काफी खर्चा आता है, इसलिए लोग ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। शिविर में 27 रोगियों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 7 मरीजों के ऑपरेशन अहमदाबाद के नारायण अस्पताल में किए जाने का फैसला लिया गया। शिविर में सिद्ध बाबू ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए विशेष शिविर साल में कम से कम 2 बार लगाए जाने चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को इलाज मिल सके। श्री परम आदरणीय सिद्ध बाबू जी के आशीर्वाद से और सेवा सदन हाई हॉस्पिटल के अंदर जीव सेवा ट्रस्ट के सहयोग से एक बड़ा ही बाल हृदय रोग सारवार कैंप लगा हुआ है। ऐसा ये 4th कैंप है। यहाँ पे सब प्रकार के जो बाल हृदय रोग होते हैं, वाल की प्रॉब्लम है, छेद है, तो उनके सब की हम जांच कर रहे हैं और उनकी सब की ईश्वर की कृपा से और ट्रस्ट के सहयोग से मुफ्त में सारवार की जाएगी। उनके हृदय रोग के ऑपरेशन भी मुफ्त में किए जाएंगे। कोई भी बच्चा है जिसको हृदय रोग है, अगर उसको सही समय पे सही सारवार दी जाए तो वो मेरे आपकी तरह नॉर्मल जीवन जी सकता है। परम संत हिरदाराम साहब जी एवं परम श्रद्धेय सिद्धार्थ जी के आशीर्वाद में, मार्गदर्शन में यह सेवा सदन द्वारा आयोजित किया जाने वाला 4th पीडियाट्रिक कार्डियक कैंप है। यहाँ पर इस कैंप में बाल हृदय रोग से संबंधित जो भी बीमारियाँ बच्चों में हृदय संबंधी बीमारियाँ हैं, उन सब का इलाज यहाँ निःशुल्क होगा। यहाँ अभी जांचें चल रही है, उसका इलाज इनके ऑपरेशन अहमदाबाद में नारायण हॉस्पिटल में किए जाएंगे, जो कि टोटली निःशुल्क होगा। नक्सलवादियों के बातचीत के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि ऐसा प्रस्ताव मीडिया में आया है, सरकार के पास नहीं। नक्सली शस्त्र छोड़कर बिना शर्त बातचीत करना चाहें तो सरकार जरूर बात करेगी। छत्तीसगढ़ में मीडिया के जरिए चर्चा है कि नक्सलवादी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन धमतरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि प्रस्ताव सिर्फ मीडिया में आया है, सरकार के पास नहीं। उन्होंने कहा, हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों से जरूर बात करना चाहते हैं। नक्सली अगर शस्त्र छोड़कर बिना शर्त बात करने आए तो जरूर बात करेंगे। देखिए, हमने केवल मीडिया में देखा है, हमारे पास इस प्रकार से प्रस्ताव नहीं है। हम तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो वहाँ बस्तर में हमारे जो निवास करते हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से रहने वाले लोग हैं, वहाँ के पत्रकार हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी है, वहाँ समाज सेवी संगठन से हम बात करना चाहते हैं। यदि वो निःशर्त यदि बात करने की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से पहले हथियार छोड़ के आए, उसके बाद बातचीत करेंगे। कल से ही नक्सली संगठन के सचिव एवं प्रवक्ता के हवाले से मीडिया में ये बात सामने आई कि फोर्स हटा लेने की स्थिति में नक्सलवादी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त की बात आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले से फिलहाल हाथ पीछे खींच लिया है। बड़े मियां यानी अमिताभ की फिल्मों की शूटिंग तो कई बार भोपाल की सड़कों पर हुई है और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी दिखाया है, मगर अब छोटे मियां यानी गोविंदा जल्द ही भोपाल की सड़कों पर एक्शन और कट के साथ नजर आएंगे। गोविंदा जल्द ही मध्य प्रदेश में अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। वे इसी सिलसिले में भोपाल आए और मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आ रहे हैं जर्जर भोपाली आपके लिए लेकर भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और आज तो भैया बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह मियाँ, जरा रसगुल्ले वगैरह खिलाओ सबको।
अरे भैया हमने क्या हुआ, अंतरिक्ष में इतनी ताकत पैदा कर ली है, ऐसे बैठी बैठी मिसाइल जाएगी दुश्मन का सैटेलाइट को खत्म कर सकती है। ये ताकत पहली बार आई अपने यहाँ, और बता रहा हूँ ये दुनिया में अपना चौथा नंबर आ गया है, अमेरिका, उसके बाद रशिया, रशिया के बाद चाइना, और फिर अपन इंडिया, और इस पे पाकिस्तान बोल के ऐसे बोन बना गया, बता रहे ऐसे भिड़बड़ा रहा है, इसको ऐसे घबराहट होने लगती है यानी क्या। अरे तेरे ऊपर डालना है कि भैया, और मैं बता रहा हूँ कि भैया ये भुनभुना रहा है ये तो ठीक है, इसको भुनभुनाने से यहाँ के विपक्षी दल क्यों भुनभुनाने लगती है। अरे ये देश के गौरव की बात है, अपने सम्मान की बात है, कभी तो तारीफ करूँ, मैं बता रही हूँ हो क्या जाता है। और वो ममता बनर्जी और ये मायावती कह रही है आचार संहिता का उल्लंघन, अरे मैं कह रहा हूँ अगर तुम प्रधानमंत्री होती तो तुम भी करती ना, कौन ऐलान करता, देश का जो मुखिया होगा वही तो ऐलान करेगा ना, और फिर जो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो तो बैठे ही साथ में, वो तो कर ही रहे हैं। ये DRDO के पूर्व चीफ हैं सारस्वत जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने है ना पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन ये उस समय ये प्रधानमंत्री अपनी मनमोहन सिंह जी उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं, तो ये वो तो पहले ही हो जाता, ये धमाका बता रही हूँ। अब कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए, तैयारी पहले चल रही थी ना, उसमें क्या है, लेकिन उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए ना भैया ऑर्डर देने के लिए, तो दे दिया इनने, इसमें तकलीफ आएगी, ये अच्छी बात है। हाँ, और राहुल गांधी ने भैया मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे पे है ना बधाई भेजी है, और मैं कह रहा हूँ इस समय इंडिया में दो बड़े एक्टर हैं, इनसे बड़ा कोई एक्टर है नहीं, एक तो राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी, और भैया राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन कोई है क्या इस समय, और नरेंद्र मोदी भैया एग्रेशन वाले एक्टर हैं, दोनों ये बधाई दी है तो बड़ा अच्छा काम किया, मोदी जी को भी इनको बधाई देना चाहिए, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, और मैं बता रहा हूँ जब से ये राफेल का चक्कर चलाए नहीं आकाश में, तब से है ना ये मोदी जी है ना एयर स्ट्राइक ही कर रहे हैं, आवामी खेल रहे हैं, फिर एयर स्ट्राइक कर दिया, अभी सैटेलाइट करवा दिया, तो बता रही हूँ ये मत छेड़ो, ये आवामी चलता रहेगा मामला। और ये रघुराम राजन है जो पूर्व गवर्नर है ना RBI की, ये कह रहे हैं कांग्रेस की जो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं, और मैं तो अंदर की बात समझ लेता हूँ, इनका भी मन कर रही है चुनाव ना लड़ने का, बता रही हूँ ये पार्टी वार्टी में आने वाले। हाँ, और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बायोपिक बन रही है, ये PM नरेंद्र मोदी, बता रही हूँ ये और एक स्ट्राइक ये और होने वाली है, अभी देखो विपक्षी दल की चिल्लाते हैं। हाँ, और भैया कांग्रेस ही बहुत परेशान थे, सपना चौधरी ने मना कर दिया आने से, और मैं बता रहा हूँ उनके लिए खुशी हो गई कल, और मेरा मतोड़ करने आया कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अब उनके भी लड़के झड़के देख लो भैया, तुम खुश हो जाओ उसमें क्या है। या ही रे जो लगे नाची रे वो जे रंगीला, ये सब गाएं, और मेरा भी मन हो रहा है भाई नाचने गाने का, मैं भी जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।